ओम शांति। आज है 7 अप्रैल 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? उत्तर, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय बनना पड़े। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब जीवन बंध में हैं, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे, अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग, रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सत्युग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं, रावण राज्य में जीवन बंध है यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, तमो प्रधान दुखी हैं। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सत्युग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सत्युग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, कलयुग में रावण राज्य है। सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सत्युग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं, रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको पाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सत्युग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में हैं। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में हैं ही कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता है, फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं, गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ।
पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंद। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और मरा, उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं हैं, विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आएंगे, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहां अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पाठ बचाए, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है। वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म हैं उनके लिए फिर कहेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में गए हैं वह सब निकल आएंगे। सबको वापस आना है। पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब हैं, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राज गद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। यह पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। फायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है, यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं, फिर उनका पाठ ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी शांति ही चाहिए, वहां बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति के शौकीन तो बहुत हैं, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है। तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं। दुख धाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वह कोई शांति थोड़े ही है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें, फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं। वहाँ सत्युग में तो शांति ही शांति है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। यह बातें बड़ी समझने की हैं। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सत्युग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना, वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर नंबर वार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना।
मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है। हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो एक सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। यह है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, ना किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह ना सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल सभी को जेल में डाल दिया, इसमें रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित बने तो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबर वार हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते हैं। जीवन मुक्ति और जीवन बंध यह दोनों स्थूल वतन की ही बात है। सत्युग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलीती हो गए हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलीती कैसे हो सकते हैं। गाया भी जाता है योग बल भोग बल, वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रसम को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रसम रिवाज वह जाने, हम अपनी रसम रिवाज को जान गए हैं। हम सत्युग के रहने वाले हैं, वहां हमारी रसम रिवाज भी नहीं होगी, उस पर ही चलेंगे। जैसे कल्प पहले तुम चले थे, जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रसम रिवाज देकर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहां की रसम रिवाज बताई वह सब अभी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, यह तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जाएंगे। अभी सबकी क्यामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं।
तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, गाया भी जाता है। हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। यह अपने को चमाट मारी है तब यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाप कहते हैं तुमने मेरी गलानी की है। यह भी ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छे गुण धारण करने हैं, मात पिता को फॉलो करना है। नंबर दो, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। नियमित बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।